Kunal Kulkarni, and please keep watching INN24. Rumai Deshpande, and keep watching INN24 News. Roll. 1 June 2018, फर्जंद मराठी मूवी रिलीज हो रही है ऑल ओवर इंडिया पे। मेरे साथ शिव लीड रोल पे जो नज़र आ रहे हैं शिवाजी महाराज, वो मेरे साथ मौजूद है, एक्टर्स मेरे साथ मौजूद है। सर, आई एम रेडी फॉर न्यूज़ में आपका स्वागत है। क्या कहना है मूवी के बारे में? इतना कहना चाहूँगा कि बड़ी मेहनत से हम सब ने मिलकर ये मूवी बनाई है। फर्जंद इस फिल्म का नाम है और 1 जून को ये फिल्म आपके सामने आपके नज़दीकी सिनेमा हॉल्स में रिलीज होगी। छत्रपति शिवाजी महाराज के जो भी जितने भी पराक्रम हैं उनमें से एक ये एक छोटा सा पन्ना है कोंडाजी फर्जंद का। और पन्हाड़ा किला कोंडाजी फर्जंद ने केवल 3.5 घंटों में 60 मावलों के साथ और 2500 आदिलशाही सैनिकों का पराभव करके, पराजित उनको करके ये किला जीता था। तो इस बारे में ये फिल्म है और एक तरह से ये एक वॉर फिल्म है और बड़े पैमाने पर इसका निर्माण हुआ है। तो मैं सभी दर्शकों से ये अनुरोध करूँगा कि 1 जून को जब ये फिल्म आपके नज़दीकी सिनेमाघरों में आए तो ज़रूर अपने सारे काम छोड़ कर ये फिल्म देखें। आप भी इस मूवी पे लीड रोल कर रही है। जिस तरीके से फर्जंद की बात करूँ मैं तो एक ये फारसी शब्द होता है फर्जंद, मराठी मूवी पे फारसी शब्द लाए। हम जिस कालखंड की बात कर रहे हैं तब काफ़ी सारे फारसी शब्द मराठी में मौजूद थे और इसके बारे में बहुत अच्छा कहा गया है इस मूवी में। इसके लिए आपको मूवी देखनी पड़ेगी। फर्जंद आज तो सरनेम के हिसाब से भी यूज़ किया जाता है और ये कान्होजी फर्जंद के बारे में है। ही वॉज अ वॉरियर और जैसा भी मेरे से अभिनेता ने कहा कि दिस इज़ अ वॉर फिल्म, मराठी में वॉर फिल्म ये पहली दफ़ा हो रही है। मुझे लगता है कि इंडियन फिल्म इंडस्ट्री का जो इतिहास रहा है उसमें भी ये नया इतिहास रचा जा रहा है क्योंकि दिस इज़ द फर्स्ट एवर वॉर मूवी विच इज़ मेड। बिकॉज इन दिस फिल्म 80% इज़ ओनली वॉर और ये एक बहुत अनोखी जंग थी जिसके बारे में अभी कहा गया कि ओनली 60 मावलास एंड 2500 मुगल सिपाही उनके साथ 3.5 घंटों में ये केवल जंग हासिल की गई और जीत गए मराठा। तो एक हिसाब से उस कालखंड के बारे में अगर कहा जाए तो बहुत ऑथेंटिसिटी के साथ लिखा गया है, परफॉर्म किया गया है और एक अनोखा प्रयोग इस फिल्म के थ्रू हो रहा है। तो आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी टू बी अ पार्ट ऑफ इट एंड आई डेफिनेटली वुड लव टू वॉच यू ऑल इन सिनेमा हॉल्स इन नागपुर। देर इज़ वन मोर रीज़न टू दिस बिकॉज ऑल द प्रोड्यूसर्स आर फ्रॉम नागपुर एंड दे हैव पुट सो मच ऑफ एफर्ट एंड लव टू दिस प्रोजेक्ट एंड कोई कमी नहीं छोड़ी है, कोई कसूर नहीं छोड़ी है। सो मुझे लगता है जल्द से जल्द आप लोग जाइए और नज़दीकी सिनेमा देखिए और इंजॉय करिए। थैंक यू वेरी मच। आपने कह दिया कसर नहीं छोड़ा है आपने, लेकिन इसके बाद भी अगर आपके बात नहीं आगे की बात की हम बात करें कहीं ना कहीं आप रिव्यू करना चाहते हैं हिंदी रोल पे, तो हिंदी फिल्म में किस पर जाना चाहिए, किसके साथ काम करना चाहिए? सी आई हैव डन सो मेनी हिस्टोरिकल रोल्स एंड हिस्ट्री इज़ माई फेवरेट सब्जेक्ट। तो जब भी मुझे कोई हिस्टोरिकल कैरेक्टर अदा करने का ऑफर आता है मैं जंप करती हूँ। तो काफ़ी सारे हिस्ट्री के पन्ने ऐसे हैं कि जो अभी तक लोगों के सामने आए ही नहीं है और ये भी होता है आजकल कि बवाल कर देते हैं, उनको देखने नहीं है हिस्ट्री, छोटा सा कोई मुद्दा उठाएंगे और चिल्लम चिल्ली करते रहेंगे। दैट इज़ नॉट राइट। अगर हमारे बच्चे, हमारी ये जनरेशन, हमें लगता है कि जो ग्लोरियस इतिहास है, जो ग्लोरियस हिस्ट्री है इंडिया की, वो बच्चों तक पहुंचाना ये भी हमारा ही काम है, हम सबका काम है। नहीं, ये भी जैसे जिस तरीके से कहीं ना कहीं हम फर्जंद देखते थे कि हिस्ट्री उसको ये सामने ला रहे हैं दर्शकों के सामने, शिवाजी महाराज का क्या रोल था, क्या पांडव थे, क्या उनकी फैसिलिटी थी, सब्जेक्टिव, वही कहीं ना कहीं सारी चीज़ें सामने आ रही हैं। करेक्ट। तो ऐसे कई सारे एक्सपेरिमेंट्स होने चाहिए और हिस्ट्री के वो सारे पन्ने लोगों के सामने आने चाहिए, उनको पता चलना चाहिए कि जो हमारे पूर्वज थे वो क्या थे, क्या करते थे, जंग करते थे मतलब क्या है, शिवाजी महाराज के लिए लड़ते थे का मतलब क्या है, हम कौन थे, कहाँ से आए हैं, ये सब पता होना चाहिए। हमें भी पता होना चाहिए, नेक्स्ट जनरेशन को भी पता होना चाहिए। आई थिंक दिस इज़ अ स्टेप टूवर्ड्स दैट। फर्जंद ये सरनेम भी है जो मराठी में है। फर्जंद इस शब्द का अर्थ है बेटा, सुपुत्र। जब बेटा होता है तो वो मराठी भी हो सकता है, हिंदी भी हो सकता है, फारसी भी हो सकता है। तो इस जैसे कि कोंडाजी फर्जंद,
ये शिवाजी महाराज के बहुत ही उम्दा सरदार थे, जिन्होंने पूरी ताकत के साथ और पूरा दिमाग इस्तेमाल करते हुए खाली 60 वॉरियर्स के साथ एक बहुत ही कठिन जिसे बोलते हैं या फिर पन्हाड़ा गढ़, अभी मराठी में उसको गढ़ बोलते हैं, फतेह किया था। तो वो सारी स्टोरी इस फिल्म में दीपाल ने दिखाने की कोशिश की है। तो उनका सरनेम अगर फर्जंद होगा तो फिल्म का नाम भी ऑफ कोर्स फर्जंद ही होना चाहिए। इसमें भूमिका के साथ भूमिका निभाना क्या कैसा लगा? इस फिल्म में मैं केसर नाम के एक, अभी हिंदी में बोला जाए तो नाचने वाली है, मराठी में उसको कलावंती कहते हैं, जो अपनी कला पेश करके उसके ऊपर उसका जो भी गुजारा है वो हो रहा है। पर उसकी एक खूबी या फिर एक खासियत ऐसी भी है कि शिवाजी महाराज के बहुत बड़े स्पाई थे, जो जगह जगह पे जाके वहाँ की सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठा करके शिवाजी महाराज को देते थे, और जिनकी वजह से महाराज ने काफ़ी सारी सक्सेस भी उनको मिला है। बहिर्जी नाइक तो ये उनकी शागिर्द है, ये बहिर्जी नाइक के साथ काम करती है। तो उनके साथ वो पन्हाड़ा पे जाती है, वहाँ पे रह के सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठा करके या कलेक्ट करके वो राजा को भेज देते हैं। और उसके बाद जब एक्चुअल वॉर शुरू हो जाता है तो उस वक्त ये केसर सारे लोगों के साथ, सारे वॉरियर्स के साथ तलवार लेके मैदान में जंग फरमाती है। तो इस किरदार में मुझे एक लावणी भी, मराठी में इसको लावणी कहते हैं, आई एम श्योर आपको लावणी मालूम होगा, तो एक लावणी भी नसीब हुई है। और उसके साथ साथ एक वॉर सीक्वेंस भी मेरे ऊपर। अच्छा, अगर इसके बाद में मराठी मूवी के आपके बाद हिंदी में अगर कहीं आपको सामने हिंदी मूवी भी किस एक्टर्स के साथ काम करना? जी, मुझे काम करने से ज़्यादा इंटरेस्ट है उनको डायरेक्ट करने में, क्योंकि मैंने अभी अभी एक फिल्म खुद की डायरेक्ट भी की है। तो अगर हिंदी में मैं जाना चाहती हूँ तो एज अ डायरेक्टर जाना चाहती हूँ, एंड आई वुड डेफिनेटली कास्ट आलिया भट्ट एंड रणबीर कपूर, दे बोथ आर माय फेवरेट एंड दे आर ब्लेस्ड एक्टर्स। तो उनके साथ मुझे काम करने में बहुत खुशी मिलेगी। फर्जंद की बात की अगर बात करें तो मराठी में कोई आने वाली फ्यूचर में आपकी मूवीज रिलीज? काफ़ी सारी फिल्में मेरी रिलीज़ हो रही है। इसके बाद मैंने माधुरी दीक्षित ने प्रोड्यूस किया हुआ 15 अगस्त नाम की फिल्म है, जो अगस्त में रिलीज़ होगी, वो आ रही है। उसके बाद महेश मांजरेकर जी की एक फिल्म मैंने की थी, एक राधा एक मीरा, वो शायद इस जून में आ जाए। और उसके बाद मेरी खुद की फिल्म मैं रिलीज़ करूँगी, के सरा सरा। मराठी है तीनों मूवी? तीनों मराठी है, तीनों मराठी है। क्योंकि मुझे अक्सर ये विश्वास है कि जिस तरह के स्क्रिप्ट्स को मराठी डायरेक्टर्स या फिर मराठी प्लेटफॉर्म हैंडल कर सकता है, बहुत ही तगड़ा उम्दा प्लेटफॉर्म है। मराठी ऑडियंस भी बहुत इस टाइम के साथ द ऑडियंस इज चेंजिंग अ लॉट, सो दे आर रेडी टू अडेप्ट ईच एंड एवरीथिंग। सो प्रोड्यूसिंग अ फिल्म लाइक दिस फिल्म ऑफ इन मराठी इज़ अ बिग थिंग। हमको आई नो कि लोग बहुत अच्छी तरीके से इस फिल्म को भी एक्सेप्ट करेंगे। बिल्कुल एक्सेप्ट करेंगे। और 1 जून को जिस तरीके से फर्जंद आपके सामने आ रही है मराठी, इस मूवी को बहुत प्यार भरिए, देखिए और हिस्ट्री जानिए कि शिवाजी महाराज की हिस्ट्री क्या थी। IN24 न्यूज़ कैमरामैन सर्वेश दुबे के साथ सलीम रहमान, नागपुर।